नाम गौड़ी है और ये पूरा सीरियल चिंपैंसी के ऊपर ही है। सीरियल में आज चिंपैंसी का यानी कि गौड़ी का बर्थडे होता है और बर्थडे के दौरान एक बलून फट जाता है जिससे चिंपैंसी पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वो आसपास के सभी लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें मार देता है। ये देखकर ज्यूब जो कि एक चाइल्ड एक्टर है बहुत ज्यादा डर जाता है। वो अपने आप को टेबल के नीचे छुपा लेता है पर चिंपैंसी उसे वहां पर भी देख लेता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है पर उसे कुछ नहीं करता बल्कि उससे हेलो करता है क्योंकि अब वो अपनी सेंसेस में वापस आ चुका है। पर तभी वहां पर एक आदमी आता है उसे मार देता है क्योंकि उसने यहां पर कई बेगुनाह लोगों को मार दिया होता है। कहानी आती है प्रेजेंट में यानी कि साल 2022 में। यहां पर हमें ओजे और उसके पिता को दिखाया जाता है जो घोड़े पालते हैं। दरअसल ये शूटिंग में घोड़ों को प्रोवाइड करते हैं और एक दिन ओजे के पिता जब घोड़े के ऊपर राइड कर रहे होते हैं तभी आसमान में बादल के ऊपर से कुछ आवाज आती है जिसके बाद ऊपर से कुछ चीजें गिरती है जिनमें कुछ सिक्के भी होते हैं और एक सिक्का उसके पिता के सर के आर पार हो जाता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। और सवाल तो ये उठता है कि जिस सिक्के से उसके पिता की मृत्यु हुई वो आया कहां से। डॉक्टर से बताते हैं कि हो सकता है कि ऊपर प्लेन से कोई सिक्का गिरा हो जिस वजह से उसके पिता की मृत्यु हो गई। ओजे भी इस बात को मान लेता है क्योंकि उसने बादलों के ऊपर से किसी आवाज को सुना था। और अब 6 महीने बीत जाते हैं। ओजे अपने घोड़े को एक कमर्शियल शूट के लिए लाया होता है। शूट से पहले ओजे की बहन जो यहां पर होती है वो सबको बताती है कि इस दुनिया की जो पहली मोशन पिक्चर थी जिसमें एक आदमी घोड़े के ऊपर राइड कर रहा था घोड़े को राइड करने वाले मेरे परदादा थे। और अब शूट शुरू हो जाता है जहां पर शूट शुरू होने के बाद ओजे का जो घोड़ा होता है वो बेकाबू हो जाता है जिससे सब के सब एक्टर्स डर जाते हैं। वो उस घोड़े के साथ काम करने से मना कर देते हैं जिसके बाद ओजे को कहा जाता है कि यहां पर सभी एक्टर्स को लगता है कि तुम अपने घोड़े को काबू नहीं कर सकते इसीलिए ओजे को प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। इससे ओजे को बहुत दुख होता है क्योंकि ये उसका खानदानी काम था। उसके पिता इस काम को बहुत अच्छे से किया करते थे। ओजे तय करता है कि वो अपने घोड़े को बेच देगा इसीलिए थीम पार्क में जाता है जहां पर उसकी मुलाकात थीम पार्क के ओनर ज्यूब से होती है। ज्यूब वही बच्चा है जो 1958 में चिंपैंजी वाले हमले में अकेला बचा था। अब उसने अपना थीम पार्क खोल लिया है जिस थीम पार्क में लोगों को वो उस रात के बारे में बहुत ही रोमांचक तरीके से बताता है। ज्यूब ओजे से कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपने घोड़ों के साथ साथ अपने अस्तबल को भी मुझे बेच दो लेकिन वो अपने सभी घोड़ों को नहीं बेचना चाहता हालांकि उसकी बहन ऐसा चाहती है। ओजे घर वापस आ जाता है। आज रात को उसकी बहन उसी के साथ रुकने का तय करती है। दरअसल उसकी बहन उससे अलग रहती है और रात को जब उसकी बहन अंदर होती है तभी वहां पर इलेक्ट्रॉनिक चीजें फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाती है और ठीक उसी वक्त ओजे का एक सफेद रंग का घोड़ा घर से बाहर भाग जाता है। ओजे भी अपने घोड़े का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है और तभी वो आसमान में एक यूएफओ को देखता है जो जल्दी बादलों में कहीं खो जाता है। यूएफओ के दूर जाने के बाद ओजे के घर की जो लाइट होती है वो भी पूरी तरह से स्टेबल हो जाती है। ओजे अपने घर वापस आता और अपनी बहन को सब कुछ बताता है कि किस तरह से उसने यूएफओ को देखा था। उसकी बहन कहती है कि अगर हम यूएफओ की फोटो खींच लें तो अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। ये अब तय करते हैं कि ये यूएफओ की फोटो खींचेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए अगले दिन ये स्टोर जाकर कुछ सीसीटीवी कैमराज ले आते हैं। इनके साथ टेक्नीशियन भी आता है और ओजे उसे कहता है कि जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उन सबको आसमान की तरफ सेट कर दो। टेक्नीशियन ये सुनकर हैरान होता है क्योंकि कोई भी एंगल आसमान की तरफ नहीं रखता इसीलिए वो इनके कैमराज को आसमान की तरफ सेट तो कर देता है लेकिन साथ ही वो कैमराज का एक्सेस अपने पास भी रखता है यानी कि वो अपने ऑफिस से ही कैमराज में जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा उसे आसानी से देख सकता है। अब रात होती है और ओजे एक बार फिर से यूएफओ का इंतजार करता है। यूएफओ उसके घर के पास तो आता है लेकिन जैसे यूएफओ उसके सीसीटीवी कैमराज के पास आता है वो अपने आप ही बंद हो जाती है। दरअसल जब भी यूएफओ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के आसपास होता है तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पूरी तरह से बंद हो जाते हैं और अब ये बात ओजे और उसकी बहन को पता चल चुकी है। और इनका एक कैमरा भी काम कर रहा होता है जो इन्होंने घर से दूर लगवाया था पर उसके ऊपर एक कीड़ा आकर बैठ जाता है इसलिए साफ साफ वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता। टेक्नीशियन भी अपने घर से सब कुछ देख रहा होता है इसीलिए अगले दिन ओजे के पास आता है और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग फुटेज को चेक करता है और बताता है कि आसमान में सभी बादल मूव कर रहे हैं लेकिन एक बादल पिछले कई घंटों से एक ही जगह पर है जिसका मतलब ये है कि वो यूएफओ उसी बादल के पीछे छुपा रहता है। ये बादल पिछले कई महीनों से यहां पर है और अब ओजे की बहन कहती है क्या हम इस यूएफओ की सच्चाई इस बादल से दुनिया को नहीं बता सकते। टेक्नीशियन कहता है कि नहीं हमें पुख्ता सबूत चाहिए। वहीं अगले दिन हमें ज्यूब को दिखाया जाता है जो अपने थीम पार्क में सभी ऑडियंस को एंटरटेन कर रहा होता है और तभी यूएफओ उसकी तरफ आता है। तूफान आना शुरू हो जाता है और वो यूएफओ उसके ऊपर आकर उसे निगल जाता है। यहां पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं यूएफओ उन सबको निगल जाता है। यहां पर हमें पता चलता है कि ये यूएफओ नहीं है बल्कि ये कोई एलियन जीव है जो इंसानों को खाता है और इस बारे में ज्यूब को पहले से पता था इसीलिए ओजे से उसके घोड़े खरीदता था और घोड़ों को अपने से दूर रखता था जिसके बाद ये जीव आता था और घोड़ों को निगल जाता था और इस तरह से वो अपनी ऑडियंस को एंटरटेन किया करता था। पर आज वो एलियन जीव बेकाबू हो गया और उसने ज्यूब के साथ सभी लोगों को निगल लिया। इन लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें दूर दूर तक गूंज उठती है। शाम को ओजे थीम पार्क में आता है और देखता है कि वहां पर कोई भी नहीं है और तभी वो एलियन आता है जो ओजे के ऊपर हमला करता है पर ओजे एक शेल्टर के अंदर जाकर अपने आप को बचा लेता है। हालांकि वहां पर बेहोश हो चुका है पर एलियन उसे कुछ नहीं कर पाता। कुछ घंटों के बाद ओजे को होश आता है। होश आने के बाद वो अपने घर की तरफ बढ़ चलता है। वो अपनी बहन को कॉल करके बताता है कि जो हमने आसमान में देखा था वो यूएफओ नहीं है बल्कि वो एक एलियन है जो इंसानों को और जानवरों को निगल जाता है। और तभी वो एलियन ओजे के घर के ऊपर आ जाता है जिस घर में उसकी बहन है और अब वो एलियन अपने अंदर से बहुत सारी इंसानों की चीजों को उगल देता है जैसे उनके सिक्के उनके कपड़े और दूसरी चीजें साथ ही उनका खून भी क्योंकि वो सिर्फ मांस को डाइजेस्ट कर सकता है वही उसका खाना है। और इसी तरह से ओजे के पिता की भी मृत्यु हुई थी जब उस एलियन जीव ने आसमान से इंसानों की चीजों को उगल दिया था तो एक सिक्के से ओजे के पिता की मृत्यु हो गई थी। अगले दिन ओजे उसकी बहन और टेक्नीशियन तय करते हैं कि किसी भी तरह से वो एलियन को फिल्माएंगे ताकि दुनिया के सामने उसकी सच्चाई को दिखा सके लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब भी एलियन किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास आता है तो वो अपने आप ही बंद हो जाता है। इसके लिए वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के पास जाते हैं जिसके पास एक हाथ से घुमाने वाला कैमरा होता है। ये उस फोटोग्राफर को सब कुछ बताते हैं लेकिन वो इनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पर टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि एक जानवर इस जगह पर लोगों को मार रहा है। इससे फोटोग्राफर को इनकी बातों पर कुछ हद तक विश्वास हो जाता है इसलिए वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने हाथ से चलने वाले कैमरे को लेकर इनके घर के पास आकर सेट कर देता है। साथ ही यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी लगाते हैं ताकि जब भी एलियन आए तो इन्हें पता चल जाए और अभी सबके सब एलियन का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। वही बाइक से एक न्यूज का फोटोग्राफर भी इस जगह पर आ जाता है क्योंकि थीम पार्क से अचानक से बहुत सारे लोग गायब हो गए थे। इसी न्यूज को कवर करने के लिए आदमी यहां पर आया था। ओजे की बहन से कहती है कि तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए और वो रिपोर्टर्स की बात नहीं सुनता और बाइक से लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देता है
और तभी अचानक से उसकी बाइक बंद हो जाती है, बाइक से गिर जाता है। दूर से ओजे सब कुछ देख रहा होता है, समझ जाता है कि उसके ऊपर एलियन आ चुका है। ओजे अपने घोड़े से उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे बचा पाता है एलियन वहां पर आ जाता है और उस रिपोर्टर को निगल जाता है। दूर से फोटोग्राफर ने इस पूरे सीन को फिल्मा लिया होता है और वो इसे और भी अच्छे से फिल्माना चाहता है, इसीलिए एलियन जीव के नीचे चला जाता है, जिसके बाद एलियन जीव उसके पास आता है और उसे भी निगल जाता है। फोटोग्राफर की भी मृत्यु हो जाती है और अब वो एलियन जीव अपना पूरी तरह से रूप बदल लेता है। वो किसी बलून की तरह दिख रहा होता है। दरअसल वो ओजे और उसकी बहन को भी निगलना चाहता है। वहीं ओजे की बहन को दिखाया जाता है जो बाइक के पास पहुंच जाती है, और अब क्योंकि वो एलियन बाइक से दूर है इसीलिए बाइक स्टार्ट हो जाती है। ओजे की बहन बाइक को लेकर सीधा थीम पार्क में जाती है, जहां पर वो एक बच्चे के बलून वाले गुब्बारे को जो बहुत बड़ा होता है उसे हवा में उड़ा देती है। एलियन उस गुब्बारे को इंसान समझता है, इसीलिए उसके ऊपर आकर वो उसे पूरा का पूरा निगल जाता है। और ठीक इसी वक्त ओजे की बहन एनालॉग कैमरा से इस फोटो को खींच लेती है। अब क्योंकि उस गुब्बारे के अंदर जो कि इंसानी रूप में था हीलियम गैस होती है, वो ब्लास्ट हो जाता है, जिससे उस एलियन का अंत हो जाता है। ओजे की बहन अब बहुत संतुष्ट है क्योंकि उसने एलियन का खात्मा कर दिया। वहीं ओजे भी ठीक होता है, हालांकि वो जख्मी होता है, पर अब वो भी जिंदा है। इस फिल्म में हमें कहीं ना कहीं इंसानों और एनिमल्स के बीच में भेदभाव को बताया गया है। जिस तरह से इंसान एनिमल्स को कंट्रोल करते हैं, ये एनिमल्स के हित में सही नहीं है। इसीलिए चिंपैंजी जो शुरू में शूटिंग के दौरान सब लोगों को मार देता है, हालांकि उसने कई बार शूटिंग की थी, लेकिन ज्यादा कंट्रोल होने की वजह से वो अपना आपा खो बैठा और उसने कई लोगों को मार दिया। बाद में ओजे का हॉर्स जो हमेशा शूटिंग में जाया करता था, लेकिन एक पल में वो भी अग्रेसिव हो गया क्योंकि उसकी दुनिया कहीं और है। और इसी तरह से वो एलियन भी, जिसे उस बच्चे ने जो चिंपैंजी के हमले में बच गया था उसे कंट्रोल करने की कोशिश की ताकि वो अपनी ऑडियंस को एंटरटेन कर सके, पर ऑडियंस के साथ उस एलियन ने उसे भी मार दिया। इसीलिए इंसानों को चाहिए कि जिस एनिमल की, जिस बर्ड की जो दुनिया है उसे वहीं पर रहने दिया जाए, कभी किसी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।